नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोमी और स्वागत है आप सबका मोमी एंड किचन में। तो आज का रेसिपी है ब्रेड रोल, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसे शाम के चाय के साथ भी खा सकते हैं, या फिर जब भी कभी आपको भूख लगे तो आप इसे बना के खा सकते हैं आसानी से। आपके पास सिर्फ एक ब्रेड होना चाहिए बस। तो ब्रेड रोल बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए यहाँ पे मैंने रख दिया है, ये है उबला हुआ आलू, उबल के मैंने ठंडा भी कर दिया है, और ब्रेड रोल है तो ब्रेड ज़रूर चाहिए, और साथ में कुछ मसाला चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ मसाला नहीं पड़ता है। यह यहाँ पे है प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और धनिया पत्ता। तो चलिए अब बना लेते हैं। पैन में तेल डाल दिया है, तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा इनको लाल होने देंगे। तो देखिए प्याज थोड़ा सा लाल हो गया है, और अब इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू। मैंने हाथ से मैश करके ही डाल दिया है इसमें, और अब इसमें थोड़ा सा मसाला भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर, ये एक गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और घर का बनाया हुआ ये गरम मसाला पाउडर है। बस ये सब डाल के अभी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा फ्राई भी कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और अब धनिया पत्ता डाल देंगे। तो देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इनको एक थाली में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। और अब देखिए ये आलू पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, और अब इसको रोल बना लेंगे। तो एक एक ब्रेड निकाल के पानी में डाल देंगे, और पानी से फिर उठा के इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे पानी। तो देखिए ऐसे हाथ से दबा दबा के पानी निचोड़ना है, और देखिए इसमें से अच्छी तरह से पानी निकल गया है और ब्रेड भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा आलू लेके ऐसे लंबा लंबा शेप देके आलू को डाल देंगे ब्रेड के अंदर, और डाल के ब्रेड को फोल्ड कर लेंगे और अच्छी तरह से दबा दबा के इनको चिपका देंगे दोनों तरफ से। तो देखिए एक रोल बन गया है। और इसी तरह से अब मैं सारे रोल बना लूंगी। तो देखिए ये पे सारा रोल तैयार हो गया है, और अब चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अच्छी तरह से जब तेल गरम हो जाए तब एक एक करके डाल देना है, और ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, बस चार पांच ही डालिए। और यहाँ पे मैं रोल को डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, बस रोल का आधा डूब जाए उतना ही मैंने तेल डाला है, और अब इसको अच्छी तरह से घुमा घुमा के चारों तरफ से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, पूरा डीप फ्राई नहीं करने से भी चलता है ये। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ज़रूर। तो देखिए ये पूरा अच्छी तरह से लाल हो गया चारों तरफ से, अब मैं निकाल दूँगी, और ये देखिए बनके तैयार हो गया है ब्रेड रोल। तो है ना ये बहुत ही आसान रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। बाय बाय।